हेलो सेवेंथ क्लास, हमने लास्ट वीडियो में इस द्रोणाचार्य चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि द्रोण और द्रुपद जो बचपन में काफ़ी गहरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद जब द्रुपद नरेश बन गए, राजा बन गए, तो उन्हें द्रोणाचार्य से मित्रता करना बड़ा ही बुरा लगा। उन्हें जब द्रुपद के राज्यसभा में द्रोणा गए, उनसे वादा किया जो उन्होंने बचपन में किया था कि मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, जब वहाँ से मिलने ही गए तो द्रोणा के मिलने पर द्रुपद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इंसल्ट किए कि मैं तुमसे मित्रता कैसे कर सकता हूँ, तुम काफ़ी गरीब हो और मैं एक देश का राजा हूँ। तो यह बात उन्हें बुरी लगी और उन्होंने सोच लिया कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा और वो अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ चुपचाप रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनको उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। अब जो हस्तिनापुर के जो राजकुमार थे, जो भी बच्चे थे, वो खेल रहे थे तो उनकी जो बॉल थी वो कुएं में जा गिरी। दुष्ट उसको निकालने की कोशिश करने लगे तो उनकी जो अंगूठी थी वो भी कुएं में गिर पड़ी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकाले। तो एक सांवले रंग के एक व्यक्ति आया और ब्राह्मण था वह, और वह कह रहा था कि मैं यह गेंद निकाल दूंगा पर तुम मुझे क्या दोगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे, यह युधिष्ठिर ने कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक गेंद को ऐसी जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींक वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब आपको पता है कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा किससे ली थी? परशुराम जी से। जब उन्होंने सारे अस्त्र विद्या और रहस्य सीख लिए थे तो वो ऐसा करतब आसानी से दिखा सकते थे। तो यह करतब उनका देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अब जब उनको कहा गया कि अंगूठी भी निकाल दीजिए तो द्रोणा ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पलभर में बाण अंगूठी को अपने नोक में लिए हुए ऊपर आ गए। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोणा के आगे आदरपूर्वक सिर निभाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दे दीजिए। उन्होंने जब युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में से निकाल दी तो यह सबके लिए चमत्कार की बात थी। सभी ज़्यादा अचरज में आ गए और उन्होंने द्रोणा के आगे सिर झुका लिया और बता दीजिए कि आप कौन हैं जो इतने अस्त्र विद्या इतने अच्छे से जानते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। द्रोणा ने अपना परिचय नहीं दिया और कहा कि जो भी मैंने ये किया है जाकर भीष्म पितामह को बताओ, वो तुम्हें बता देंगे कि मैं कौन हूँ।